बिटकॉइन के प्राइस में दोस्तों हमें कल नाइट में 5% की शार्प गिरावट देखने को मिली थी। BTC का प्राइस $19,800 से $18,950 के अराउंड तक गिर गया। करंटली BTC का प्राइस ट्रेड कर रहा है दोस्तों $18,800 के अराउंड। बिटकॉइन में गिरावट के साथ ही ओल्ड कॉइन में भी हमें डंपिंग देखने को मिली। इथीरियम 8.6% डाउन है कल से, BNB 6.7% और मैटिक का प्राइस 10% तक गिर चुका है। ऑलमोस्ट सभी ओल्ड कॉइन इस टाइम रेड में ट्रेड कर रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट कैप $940 बिलियन के अराउंड तक गिर चुकी है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो दोस्तों वो 24 के लेवल पर बना हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से और कितना नीचे तक गिर सकता है और बिटकॉइन के लिए नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे, आपको क्या पोजीशन मार्केट में इस टाइम बनानी चाहिए एंड लास्ट में हम बात करेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बिटकॉइन का प्राइस दोस्तों लास्ट 7-8 दिनों से ही 19,500 से 20,500 की बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था और हमने अपनी लास्ट वीडियो में यही बताया था बिटकॉइन में जल्दी नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा और वो मोस्ट प्रोबेबली डाउनसाइड ही होगा और बिल्कुल यही हमें बिटकॉइन के प्राइस चार्ट पर होता हुआ दिख रहा है। कल नाइट में सडनली $1,000 की गिरावट हमें बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिली थी। उससे पहले मॉर्निंग में भी एक अच्छा जंप बिटकॉइन के प्राइस में हमें देखने को मिला था बट वो ट्रेडर्स के लिए एक ट्रैप था। कई ट्रेडर्स ने लॉस किया होगा बिटकॉइन के इस ट्रैप में बट हमने आपको यही कहा था दोस्तों मार्केट में ट्रेडिंग को अवॉइड करिए जब तक नेक्स्ट मूव बिटकॉइन में ना आ जाए। बिटकॉइन ने 19,000 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और उसके जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है। अब नेक्स्ट टारगेट बिटकॉइन के लिए क्या हो सकते हैं ये देखते हैं। बिटकॉइन ने 17,500 के प्राइस को टच करने के बाद 25% की रिकवरी की थी जो अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। अब बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट 17,500 ही होगा। बिटकॉइन इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। बिटकॉइन के लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल भी दोस्तों 17,500 का ही है जिसको बिटकॉइन ने जून के बाद से अब तक टच नहीं किया है। इसको बिटकॉइन होल्ड कर पाता है या नहीं ये आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा। अगर बिटकॉइन 17,500 के सपोर्ट लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो 15,000 के लेवल बिटकॉइन के लिए टच करना कोई मुश्किल बात नहीं है। रेजिस्टेंस की बात करें तो दोस्तों 20,000 बिटकॉइन के लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल होगा, उसके बाद 50-day मूविंग एवरेज और 100-day मूविंग एवरेज। बिटकॉइन को अपट्रेंड स्टार्ट करने के लिए इन दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों आपको क्या पोजीशन मार्केट में बनानी चाहिए। लास्ट टाइम दोस्तों बिटकॉइन के प्राइस में 17,500 से 18,500 की रेंज में ही बाइंग देखने को मिली थी और अब भी बिटकॉइन का प्राइस इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसलिए जब बिटकॉइन का प्राइस दोस्तों 18,000 के अराउंड आए तो आपके लिए बेस्ट लेवल होंगे बाइंग पोजीशन बनाने के मार्केट में। बट इसके साथ ही आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस $17,500 का लगाना होगा क्योंकि ये ब्रेक हुआ तो बिटकॉइन का प्राइस 15,000 के लेवल की तरफ मूव कर सकता है। और अगर हम सितंबर मंथ की हिस्ट्री देखें तो दोस्तों बिटकॉइन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। सितंबर मंथ में बिटकॉइन के प्राइस में ऑन एवरेज 7-8% तक की गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों कोई भी ट्रेड लो तो स्टॉप लॉस को लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए। यह था दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की। फर्स्ट न्यूज है दोस्तों कोर साइंटिफिक सोल्ड ओवर 1100 BTC इन अगस्त फॉर 26 मिलियन। कोर साइंटिफिक माइनिंग फर्म ने दोस्तों अगस्त में 1100 BTC सेल किए हैं। कोर साइंटिफिक दोस्तों टेक्सास बेस्ड क्रिप्टो करेंसी माइनिंग फर्म है और इस फर्म ने अगस्त में 1334 BTC प्रोड्यूस किए थे और उसमें से 1125 BTC इन्होंने ऑलरेडी सेल कर दिए हैं। कई बिटकॉइन माइनिंग फर्म दोस्तों लास्ट कुछ टाइम से बिटकॉइन को सेल कर रही है मार्केट में जिसका इंपैक्ट हम बिटकॉइन के प्राइस पर भी देख सकते हैं। सेकंड न्यूज है दोस्तों वेंचर कैपिटलिस्ट पोर्स $14.2 बिलियन इनटू क्रिप्टो इन H1 2022 बट इन्वेस्टमेंट नाउ स्लोइंग। क्रिप्टो मार्केट में बियर रन चल रहा है दोस्तों लास्ट 9 मंथ से। इसके बावजूद टोटल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अभी भी स्टेबल बनी हुई है क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो शो कर रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री में मैच्योरिटी एंड ग्रोथ को। 2019 में टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था दोस्तों 5.3 बिलियन का, 2020 में भी 5.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था और 2021 में तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग $32.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई थी।
और करंट ईयर 2022 में भी टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक 14.2 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। क्रिप्टो मार्केट में बीयर रन के बाद भी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू बनी हुई है, जो क्रिप्टो करेंसी की फ्यूचर ग्रोथ को शो कर रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज है दोस्तों, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर क्रिप्टो NFTs एंड मेटावर्स सर्जिंग 2022। एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो इंडस्ट्री में हो रही है तो दूसरी साइड क्रिप्टो NFTs एंड मेटावर्स ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में भी सर्ज देखने को मिला है। डाटा शो कर रहा है कि मार्च में ये नंबर सबसे ज्यादा हाई रहा है, 1078 एप्लीकेशन NFTs के लिए, 604 फॉर क्रिप्टो करेंसीज एंड 759 एप्लीकेशन मेटावर्स के लिए फाइल की गई है। 2021 से कंपेयर करें तो टोटल 2087 एप्लीकेशन फाइल की गई थी और करंट ईयर 2022 में अभी तक 5800 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल की जा चुकी है और ये नंबर दोस्तों दिसंबर एंड तक और ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये डाटा एक पॉजिटिव साइड शो कर रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री की। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।